हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज मैं आप सबके साथ में मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप ओवन में आराम से बना सकते हैं, लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से गैस के ऊपर बनाना बताऊँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले ये गोट मीट है, करीब 1 किलो 200 ग्राम। इसको हमने एक बॉल में ले करके इसमें नमक, हल्दी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेस्पून ईच और 1 कप दही डालकर 2 घंटे से मैरिनेट करके रखा हुआ है। अब हम इसे कुकर करेंगे। कुकर में अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जो है ये 2 बे लीव्स और 4-5 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए इसको डालेंगे। 2 से 3 मिनट तक प्याज को कंटिन्यू भूनते हुए अब हम इसमें ये मैरिनेट किया हुआ मटन डालेंगे। मटन डालने के बाद इसको मीडियम हीट पर 2 सीटी करा लेंगे। मटन को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको सिर्फ 70% ही कुक करना है। उसके बाद ये दम में, बाकी जो है ये दम में कुक होता है। कुकर से मटन को निकालने के बाद इसे पैन में डाल लेंगे और अब हम इसमें एक एक करके सब मसाले डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, बिरयानी मसाला ये 2 चम्मच डालेंगे, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च। सबको डालने के बाद इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसको एकदम ड्राई कर लेंगे करना है। अभी ये ज़रा सा ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी हम जो है इसमें ये धनिया और पुदीना एक साथ ही बारीक कटा हुआ है इसको डालेंगे। धनिया पुदीना डाल करके 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब ये लगभग ड्राई भी हो गया है। अब हम इसमें फ्राइड ओनियन डालेंगे और इसको बंद कर देंगे। मटन बन गया है, अब हम बिरयानी के चावल बनाएंगे। चावल बनाने के लिए एक ऐसे पैन में हमने पानी डाला है, पानी 5 कप मेरा चावल है तो उसके अंदाज से ही पानी आप लीजिए। और साथ ही साथ मैंने इसमें 1 लीटर चिकन ब्रॉथ भी डाला है। चिकन ब्रॉथ जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। तो इसको चिकन ब्रॉथ और पानी डालकर इसको बॉयल होने देंगे। अब इसमें जो है ये 2 से 3 बे लीफ डालेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक जो है आप ज़्यादा डालिए, क्योंकि पानी जो है ये इसका नमकीन टेस्ट आना चाहिए। नमक डालने के बाद ये गोटा गरम मसालों की पोटली है इसको भी डाल देंगे और ढक करके पानी को बॉयल होने देंगे। पानी बॉयल हो रहा है, अब हम इसमें चावल डालेंगे और चावल डालने के बाद इसको 1 दाना कच्चा पकाएंगे। चावल डालने के बाद इसको धीरे से चला लीजिए और इसको ऐसे ही खुली आंच पर ही इसको पकाना है। 1 दाना कच्चा या 80% तक ही चावल कुक होना चाहिए। देखिए ये चावल पक गया है, 1 दाना कच्चा है। अब हम इसे निकाल करके छान लेंगे। इसके बाद जो है बिरयानी का लेयरिंग करेंगे। अब हम जो है बिरयानी का लेयरिंग करेंगे, सबसे पहले घी लगा लीजिए चारों ओर से। घी लगाने के बाद मटन डालिए। आधा मटन को नीचे में अच्छे से डाल लीजिए। आधा मटन डालने के बाद अब हम इसमें राइस डालेंगे, इसको भी आधा ही डालेंगे, जितनी राइस है उसका आधा डालेंगे। आधा चावल डालने के बाद ये बिरयानी मसाला डालेंगे, फिर ये बारीक कटे हुए धनिया पुदीना, इसके बाद फ्राइड ओनियन। फ्राइड ओनियन डालने के बाद फिर से मटन की लेयरिंग करेंगे। मटन डालने के बाद फिर से चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद फिर से ये बिरयानी मसाला हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे चारों ओर से। धनिया पुदीना, फ्राइड ओनियन,
फ्राइड ओनियन के बाद ये सैफ्रन मिल्क, इसको भी डालेंगे चारों ओर से अच्छे से। सैफ्रन मिल्क डालने के बाद ये 2 टेबलस्पून घी है, फ्यू ड्रॉप ऑफ एसेंस, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग के बाद अब ये तैयार है दम के लिए। इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे। अभी ये तैयार है दम लगाने के लिए। आप चाहे तो इसे ओवन में भी बना सकते हैं, ओवन में भी दम करा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। मैं गैस के ऊपर ही इसको दम लगाऊंगी। गैस के ऊपर आप एक ऐसा कास्ट आयरन का मोटा तवा रखिए हाई हीट पर। इसके ऊपर ये मिट्टी की हांडी रख दीजिए और पहले 4 से 5 मिनट इसको हाई हीट पर ही रहने दीजिएगा। उसके बाद एकदम लो हीट पर इसको 10 मिनट के लिए और रख दीजिएगा। 3 से 4 मिनट ये हाई हीट पर हो गया है। अब हम इसे एकदम लो हीट पर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।